दोस्तों, इन्हें आयरन लेडी ऑफ मणिपुर के नाम से जाना जाता है। इन्हें दुनिया का सबसे बड़ा भूख हड़ताल करने वाला कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, हम आज बात कर रहे हैं इरोम छामू शर्मिला जी के बारे में। ये इंडियन सिविल एक्टिविस्ट, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट एंड पोएट है। आप देख रहे हैं टुडे स्पेशल डे यूट्यूब चैनल। मैं हूँ एहसास। तारीख है 14 मार्च और आज हम जानेंगे आयरन लेडी ऑफ मणिपुर कहे जाने वाली इरोम शर्मिला जी के बारे में। दोस्तों, वैसे तो इनका जन्म सन 1972 में हुआ था, लेकिन इनकी कहानी जुड़ी है सन 1958 में पास हुए आर्म फोर्स एक्ट 1958 से। ये इंडियन पार्लियामेंट का एक ऐसा एक्ट है जिसमें इंडियन आर्म फोर्स को स्पेशल पावर ग्रांट की जाती है, जिसकी मदद से वो डिस्टर्बेंस एरिया में पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करते हैं। ये लॉ इंडिया के 7 सिस्टर स्टेट जो कि नॉर्थ में है पर लागू किया गया। इस नियम के तहत इंडियन आर्मी के पास स्पेशल पावर टू अरेस्ट, ताकत इस्तेमाल करने और ओपन फायर करने, बिना वारंट के कहीं भी जाने और सर्च करने के अधिकार हैं। ये अधिकार इन्हें शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए दिए गए हैं। दोस्तों, अब आते हैं वापस शर्मिला जी के ऊपर। शर्मिला जी एक औसत छात्रा थी। उनकी दादी इरोम तुलसीजा देवी ब्रिटिश राज के खिलाफ 1939 में लड़ाई में शामिल थी। दोस्तों, जब वे मात्र 17 साल की थी, उसी समय सन 1989 में उनके पिता की कैंसर से मृत्यु हो गई थी। 1990 के दशक की शुरुआत में उन्होंने एक पत्रकारिता पाठ्यक्रम में दाखिला लिया और लेख और कविता लिखना शुरू किया। दोस्तों, वे शुरू से ही सोशल वर्क जैसे कामों और संगठनों से जुड़ी थी। दोस्तों, क्योंकि मणिपुर में ही बड़ी हुई थी, इसलिए उन्हें मणिपुर से जुड़ी परेशानियों के बारे में पता था। उन्हें इस बात का अफसोस रहता था कि कभी भी किसी भी टेक्स्ट बुक में मणिपुर का स्वतंत्रता संग्राम में भागीदारी को अच्छे से अंकित नहीं किया गया। यहाँ आज़ादी के बाद भी डेवलपमेंट पर ज़्यादा जोर नहीं दिया गया। यहाँ शुरू से ही गरीबी और अशिक्षा फैली हुई थी। इन तक सरकार की कोई भी मदद नहीं पहुँच पाती थी। इन सब तकलीफों से शर्मिला जी बहुत ज़्यादा प्रभावित थी और इस जख्म में नमक का काम किया मालोम नरसंहार में। ये घटना 2 नवंबर के दिन मणिपुर की राजधानी इम्फाल के मालोम में बस स्टॉप पर हुई थी, जहां असम राइफल के जवानों के हाथों बस का इंतजार कर रहे 10 बेगुनाह लोग मारे गए थे। दोस्तों, इस घटना ने शर्मिला जी को अंदर तक झंझोर कर रख दिया था, जिसके बाद इन्होंने फैसला कर लिया कि वो इस एक्ट को हटाने के लिए कुछ न कुछ प्रयास जरूर करेगी। और वे अगले 2 दिन तक सोचती रही, जिसके बाद इन्होंने 4 नवंबर को अपने परिवार वालों को अपनी सोच बताई और 5 नवंबर को भूख हड़ताल पर बैठ गई। यहाँ पर ये इम्फाल के जस्ट पीस फाउंडेशन नामक गैर सरकारी संगठन से जुड़कर भूख हड़ताल करती रही, लेकिन 3 दिन बाद ही सरकार ने शर्मिला को आत्महत्या के प्रयास में गिरफ्तार कर लिया था। क्योंकि यह गिरफ्तारी 1 साल से अधिक नहीं हो सकती थी, अतः हर साल उन्हें रिहा करते ही दोबारा अनशन पर फिर से बैठ जाती। पर इस समय इन्हें जबरदस्ती नाक से लगी एक नली के जरिए उन्हें खाना दिया जाता था। यहाँ तक इनके लिए एरोपट के सरकारी अस्पताल के एक कमरे को अस्थायी जेल तक बना दिया गया था। समय आगे बढ़ता गया, शर्मिला बार बार जेल जाती और बाहर आकर फिर से हड़ताल करने लगती। इसी समय उनके बड़े भाई सिंहजीत ने अपनी बहन शर्मिला की देखभाल के लिए अपनी नौकरी तक छोड़ दी थी। दोस्तों, सन 2004 तक इनकी हड़ताल जन जन तक पहुंच चुकी थी और 2004 तक ये आइकॉन ऑफ पब्लिक रेजिस्टेंस बन चुकी थी। दोस्तों, ये जेल से छूटने के बाद हड़ताल करने लगती थी और फिर तुरंत ही जेल में डाल दी जाती थी, और यह 20 के दिन होते थे, मात्र 2 से 3 दिन। इससे जुड़ी एक कहानी भी है कि सन 2006 में जब 2 अक्टूबर को इन्हें आज़ाद किया गया था, तब इन्होंने अपने आइडल महात्मा गांधी को सम्मान देते हुए इनके राजघाट पहुंची थी और उन्हें याद किया था। इसके बाद भी ये शाम को जंतर मंतर के लिए निकल गई थी, जहां इन्होंने अनशन किया और इनके साथ स्टूडेंट, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट और कई सिटीजन्स ने दिया था, जिसकी वजह से इन्हें 6 अक्टूबर को फिर से सुसाइड के केस में पकड़ लिया गया और जेल में डाल दिया गया। इस तरह वह 2 अक्टूबर को जेल से निकली थी और 6 अक्टूबर को फिर से इन्हें पकड़ लिया गया था। इसके बाद सन 2011 में तृणमूल कांग्रेस शर्मिला जी के सपोर्ट में आई और उस समय की उनकी चीफ ममता बनर्जी को इनकी हेल्प के लिए और इस एक्ट को वापस लेने के लिए भेजा गया। फिर इन्होंने प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह से इस एक्ट को वापस लेने का आवेदन किया। इसी समय 3 नवंबर सन 2011 को शर्मिला जी के सपोर्ट में 100 वुमेंस ने एक मानव श्रृंखला बनाई और कई सिविल सोसाइटीज़ ने 24 आवर्स का फास्ट रखा, और साथ ही साथ इसी साल शर्मिला एकजुटता बचाओ अभियान शुरू किया गया। फिर आया साल 2014, जब अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर उन्हें MSN पोल द्वारा भारत की शीर्ष महिला आइकन चुना गया। इसी समय 19 अगस्त को वह जेल से रिहा की गई थी, लेकिन उन्होंने एक बार फिर से अनशन किया और सेम केस में उन्हें 22 अगस्त 2014 को फिर से अरेस्ट कर लिया गया। फिर आया वह समय जिसकी अधिकांश लोगों को उम्मीद न थी, और ये साल था सन 2016। जुलाई सन 2016 में उन्होंने अचानक घोषणा की कि वे शीघ्र ही अनशन समाप्त कर देगी, और 9 अगस्त 2016 को लगभग 16 साल के पश्चात उन्होंने अपना अनशन तोड़ा। हड़ताल समाप्त करने के बाद इन्होंने राजनीति में प्रवेश करने के अपने निर्णय की घोषणा की, और 18 अक्टूबर सन 2016 को उन्होंने अपनी नई राजनीति पार्टी अलायंस फॉर जस्टिस एंड रिसोर्सेज ऑफ द पीपल की घोषणा की। यह तिथि महत्वपूर्ण थी क्योंकि मणिपुर विधानसभा का पहला सत्र 1948 में इसी तिथि को आयोजित किया गया था।
और 2017 में उन्होंने थम्बल निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार ओकराम इबोबी सिंह, जो कि उस समय वहां की मुख्यमंत्री थी, के खिलाफ राज्य विधानसभा को चुनाव लड़ा। हालांकि वह चुनाव वह हार गए और इसके कुछ समय बाद इन्होंने राजनीति से संन्यास ले लिया। दोस्तों, इनकी ज़िंदगी में हड़ताल के साथ साथ इनके पति के मिलने की भी कहानी जुड़ी हुई है। तो हुआ कुछ यूँ था कि लेखक दीप्ति पी मल्होत्रा ने शर्मिला जी के जीवन पर एक किताब लिखी, बर्निंग पॉइंट, इरोम शर्मिला और मणिपुर में शांति के लिए संघर्ष। शर्मिला के जीवन के संघर्ष के बारे में लिखी गई किताब को पढ़ने के बाद एक ब्रिटिश नागरिक डेसमंड कॉटिन्हो को शर्मिला से प्यार हो गया और उसने पत्र लिखे। शर्मिला ने कबूल किया कि वह डेसमंड कॉटिन्हो से प्यार करती थी और उसने उसके उपवास के समाप्ति के बाद उनसे शादी करने का प्लान बनाया था और आखिर 17 अगस्त 2017 को उन्होंने उनके साथ शादी की। ये दोनों अभी तमिलनाडु के कोडाई कनाल में रहते हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा वीडियो समर्पित था आयरन लेडी ऑफ मणिपुर को। इसी तरह की शानदार जानकारी पाने और हर दिन किसी खास भारतीय के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। अगर हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।